अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपके लिए एक नया व्लॉग लेके आए हैं। तो ये मस्जिद पाक भी गया, तो वो मैं आप लोगों के साथ एक वीडियो शेयर कर लेता हूँ। तो ये देखो, ये बड़ा मेरे यानी यहाँ पे दोबारा नक्शे में गया कि तकद्दस और सफाई के पेश नज़र नज़र आए कि जो ज़्यारत करें, कुछ हाथ ना लगाएं। ये देखो कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है, तो बन गया। इसके आप लोगों के साथ एक वीडियो मैं शेयर कर लेता हूँ। शेयर कर लेता हूँ। ये देखो कितनी खूबसूरत मस्जिद है, पाक विद्या शरीफ किरमवाला के अंदर है। यह दरिया चना पर आबाद गुजरात शहर का नवाही कस्बा किरमवाला लाहौर से बरा रास्ता जी टी रोड गुजरात पहुँच कर शही चौक फ्लाई ओवर से दाई जानब एक सड़क सरगोदा की जानब रवाना होती है, जिसे डिंगा रोड कहा जाता है। उसके ऊपर ये वाक़ है। ये आप लोगों के साथ ये वीडियो मैं शेयर कर रहा हूँ। ये कितना खूबसूरत है, और ये सारे ना वाइट संगमरमर से ये बनी हुई है। इसमें तो ये तहरीर वगैरह बहुत खूबसूरत, देखो डिजाइनिंग वगैरह हुई इसके ऊपर। ये कितना खूबसूरत इन्होंने ये बनाया हुआ। कितना खूबसूरत काम किया हुआ। ये नीचे फैक्ट्री है जो खैबर पख्तूनख्वा से ये मेहमत एजेंसी से ट्रकों के ज़रिए ये मार्बल वगैरह ये लाते हैं, और ये यहाँ पे इसको ना इसको डिज़ाइनिंग वगैरह हर चीज़ वो करके तो ये मुकम्मल करके ना ये यहाँ पे ना लगाते हैं। और अभी भी ये काम हो रहा है ये यहाँ पे। ये देखिए ये मार्बल वगैरह ये लगा रहे हैं यहाँ पर, और मार्बल में माशाल्लाह ये 2 इंच का ये मोटा है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि सारे अभी वो ट्रक आया हुआ है, तो क्रेन से वो मार्बल वगैरह उतार रहे हैं वो सारा। ये इसकी डिटेल अगर यहाँ पर लिखी हुई इसकी डिटेल, ये सारी इसकी डिटेल, ये कंप्लीट हो गई 19 जून 2015 में कंप्लीट हो गया। और ये यकम रमजान अल मुबारक, तो ये दूसरी साइड पर बहुत खूबसूरत मस्जिद बनी हुई है, बहुत खूबसूरत मस्जिद है, वाइट मार्बल के साथ, टोटल वाइट मार्बल है। और कहा जाता है कि इसके अंदर वो सरिया वगैरह इन्होंने कोई इस्तेमाल नहीं किया हुआ। और ये देखें खटाती वगैरह, ये दरवाज़ा है, ये जालियों का ये काम हुआ है इसके ऊपर। किरमवाला की वजह शोर यहाँ संगे सफ़ेद से तमीर होने वाली शानदार और पुरशकवा मस्जिद पाक विद्या शरीफ है, जिसे देखकर अकल भंग और ज़बान गुंग हो जाती है। फन तामीर की अजीम शाहकार यह मस्जिद मुस्तकबिल करीब में इस्लामी दुनिया के अजाबात में शामिल होगी। इस मुनफरद रूहानी और इस तारीखी मस्जिद के बानी साहबजादा डॉक्टर फरख हफीज़ के जानशीन साहबजादा असन हफीज़ हैं। मस्जिद पाक विद्या शरीफ के बारे में रवायत है कि 350 साल पहले
मारूफ रूहानी बुजुर्ग हज़रत मियाँ नूर मोहम्मद जनाबी को रहमतुल्लाह ताला को इस जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत का शर्फ़ हासिल हुआ। इस मुकद्दस ज़ियारतगाह कहा जाता है और यहाँ ज़ायरीन नवाफिल अदा करके मन की मुरादें पाते हैं। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये मस्जिद है। ये टोटल ये वाइट मार्बल ये बनी हुई है। मेहराब कितने खूबसूरत ये मेहराब है। ये बाहर का रास्ता है। इस मस्जिद का आगाज़ जुमा 16 मार्च 2001 को हुआ था, इफ्तिताह हुआ था इसका ना, संग बुनियाद इसका रखा गया था 2001 के अंदर। ये 2015 जून 2015 में ये टूटी हुई है। ये जानमाज वगैरह पड़े हुए हैं, लोग यहाँ पे नफल वगैरह अदा करते हैं। कितना खूबसूरत काम हुआ है, हाथ से सारा ये काम किया हुआ, मशीनों के साथ नहीं है। ये सारा ये कशीदाकारी वगैरह जो ये जितनी भी है ये हाथ से नहीं रखी हुई है। ये लाइटें वगैरह रात को लगाते हैं ताकि उसके अंदर रोशनी पड़े और ये उभार पैदा हो तो लोगों को ये पता चले कि कितनी मेहनत के साथ ये काम होगा। ये गुंबद मेहराब है, मेहराब के बहुत खूबसूरत ये है। फीस काम की हो सारा व्यू बैक साइड से ऊपर गुंबद सारे ये और खूबसूरत डिजाइन से इस आलिशान मस्जिद के लिए संग मरमर पर कुरानी आयात अहादीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और दुरूद शरीफ इस तरह उभारा गया कि
इस में मुनफर खत्ताती और कशीदाकारी को हुकूमत पाकिस्तान के अदारों ने शानदार कौमी वर्सा करा दिया है। पूरी मस्जिद सफ़ेद संग मरमर से तामीर की गई है। मस्जिद के फर्श, दीवारों, महराबों, गुंबद और छतों पर आठ रस्म खत इस्तेमाल हुए हैं। ये जितने भी ये बातें वगैरह लिखे हैं, ये आठ रस्म खत इसमें इस्तेमाल किए गए हैं। ये देखिए बहुत खूबसूरत करते हैं वो, किसी जकारी वगैरह हुई है इसकी। नमाजों में औकात वगैरह यहाँ पर लिखे हैं, बकायदा एक पाँच वक्त की नमाज होती है। इब्तदा में ये नक्शा तामीरती काम और तामीरती सामान के लिए दो मारूफ माहरीन नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स के कामिल खान मुमताज़ और माहिर आसार कदीमा शाही किला लाहौर मलिक मकसूद अहमद की खिदमत हासिल की गई। और लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान और रावलपिंडी समेत मुल्क के तूल और अर्ज से पत्थरों के माहिर तरीन कारीगरों को मस्जिद की तामीर के लिए बुलाया गया। आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हो नाजिर। अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों के लिए नई अच्छी से अच्छी वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड की जाए। बहुत खूबसूरत मस्जिद है जी, यहाँ से भी इसको इस सारा। और ये बैक जहाँ से एंटर से ये एंटर कर, ये ऊपर ये मनार इतने खूबसूरत ये बनाए हैं, ये देखिए पूरे वाइट संग मरमर से। ये मेरे राइट साइड पे वहाँ पे गुंबद है, और ये मेरे लेफ्ट साइड पे ये सारा है। ये सी के नीचे तो नहीं है, ये यहाँ से इसका व्यू इस मुनफरद रूहानी और इस तारीखी मस्जिद के बानी साहबजादा डॉक्टर फ़र्रुख हफीज़ के जानशीन साहबजादा अहसन हफीज़ हैं। मस्जिद पाक बीघा शरीफ के बारे में रवायत है कि 350 साल पहले मारूफ बुज़ुर्ग रूहानी बुज़ुर्ग हज़रत मियाँ नूर मोहम्मद चनाबी को इस जगह हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज्यारत का शर्फ हासिल हुआ। इस मुकदस मुकाम को ज्यारतगाह कहा जाता है। टोटल ये वाइट मार्बल किससे बनी हुई है,
नाजिक ये नकल अदा करने के बाद बाहर घर की तरफ जा रहे हैं। इतना खूबसूरत व्यू है और टोटल बाइक बिल्कुल बाइक कितनी मेहनत से काम हो रहा है इसके ऊपर। ये जहाँ ये बाहर इन्होंने फैक्ट्री लगाई हुई है तो दे यहीं तो वो वहाँ से मेहनत एजेंसी से वो आते हैं मार्बल वगैरह भी नीचे ट्रक खड़ा हुआ भी वो भी आपको ये दिखा देता हूँ। ये देखें इसके ये इसका पूरा मस्जिद का व्यू इसका इसका खूबसूरत है ये 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 यहाँ पे बंदे हैं इनसे भी हम वो बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहु। क्या हाल है भजन आपका? ठीक है। कोई कोई गाइड वगैरह करेगी अपने? जी वो आ रहे हैं तो हम 10 दिन सारा मस्जिद बारे। अच्छा अच्छा मस्जिद जरा उसी जी जजाकल्लाह तो लिखी है। हाँ जी बढ़िया जगह मुकदस पाक भी बस। तो ये अपना वो कहा जाता है कि इसके अंदर वो सरिया वगैरह इस्तेमाल ही हुआ है? जी सरिया सीमेंट कोई नहीं सरिया सीमेंट सरिया नहीं है सीमेंट नहीं है। अच्छा ईंट और पत्थर इस्तेमाल। आपका क्या नाम है? मेरा मोहम्मद फैसल। मोहम्मद फैसल है इसी मस्जिद खादम है सारे। अच्छा माशाल्लाह तआला सारे पीर खाना है सारे मस्जिद बनवा माशाल्लाह तआला। तो वो अपना जो हदीस शेख हदीस साहब वो अपना हयात जी डर सा पर्दा फरमा गए 2015 पर्दा फरमा गए हैं। अच्छा चलिए बेटा गदीन साहब मोहम्मद आसिम साहब सही है वो सरदार मशीन है। इतनी वो खूबसूरत है कि भाई वो वाकई आंखें ना वो बाहर निकल आती है कि भाई छोटे से गांव के अंदर एक निस्बत जी बिल्कुल ऐसी है जी ऐसी है बिल्कुल करीम दी एक निस्बत हो जी जी बिल्कुल अच्छी बात है जी कशिश जी हां। बहुत शुक्रिया बड़ी बात है क्योंकि खिदमत करी आपने बहुत शुक्रिया दुआओं की दरख्वास्त है अल्लाह पाक बरकत दे। हाँ जी ये देखिए ये थोड़ा सा तारुफ अगर आप लोगों को ये करवाया इसके साथ ये देखें हम ये बाहर की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए क्लोज करके देखा कितना खूबसूरत ये रस्म ख़त वगैरह हुआ ये सारा ये खूबसूरत हुआ ये बनाया मैंने ये हम बहुत ही कल जा रहे हैं और ये देखिए मार्बल वगैरह यहाँ पर लगा रहे हैं इसका और ये वो फैक्ट्री है इस फैक्ट्री में वो कटिंग वगैरह करके तो ये सारे लोग करते हैं। ये भाई यहाँ पर लगा रहे तो हम इसकी थोड़ी सी वीडियो बना लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम नीचे की तरफ उतर जो वीडियो सच कहते हैं जो फैक्ट्री इन्होंने यहाँ पे लगाई हुई है ये नीचे से इसका बड़ा खूबसूरत व्यू है। ये बड़ा खूबसूरत से ये नाम बनाया हुआ है ये सारा मार्बल तक है ये भाई भाई उधर जाओगे ना जी उस मोड़ पे खंबे के सामने इधर जूते उतार के मैं कल भी होके हाँ नीचे बोर्ड जी जी ये देखिए वो यहाँ पे ये फैक्ट्री है जहाँ पे ये सारा वो अपना ये मार्बल वगैरह की कटिंग वगैरह करके इसको प्रॉपर काम किया जाता है। ये देखें ये सारे ये पीसेस वगैरह तैयार किए हैं ये सारे ये देखें ये डबल वो दो दो इंच का ये है तकरीबन 2 इंच से ज़्यादा ये साइज़ है और ये यहाँ पर ये कटिंग करके इसको तैयार करके तो फिर वो मस्जिद में वो लगाए जाते हैं। इस साइड का भी अभी मैं दिखाता हूँ आपको मस्जिद का सारा ये देखें वो जो एक्स्ट्रा जो मार्बल हुआ इधर पड़ा हुआ है और ये कटिंग करके इन्होंने ये रखा हुआ है ये देखें
ये 2 इंच का, 2 इंच का तकरीबन 2 इंच का ये है, ये सारा मार्बल तैयार किया हुआ है जो इन्होंने अभी वो वहाँ पे लगाना है, ये इन्होंने वहाँ पे लगाना मस्जिद का। और जो मस्जिद का साइड का व्यू आप लोगों के साथ वीडियो बना रहा हूँ मैं, ये देखो ये साइड का व्यू है सारा, ये खूबसूरत मस्जिद है पूरी टोटल वाइट मार्बल के साथ ये बनी हुई है। ये आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इसकी इसकी वीडियो में शेयर कर रहा हूँ। ये देखो टोटल जो खूबसूरत है, फ्रंट वाली मस्जिद है मस्जिद, ये अपना पीछे ये बरामदा है सारा। ये देखो ये नीचे भी वो इन्होंने ये मार्बल वगैरह ये लगाना है इधर, ये यहाँ पे ये देखो ये सारा, ये देखो ये दरख्त खजूर वगैरह लगी हुई है। ये मस्जिद का फ्रंट हिस्सा जो मेहराब है मस्जिद का, ये फ्रंट वाली साइड पे मैं आओगे बाहर वाली साइड पे मेहराब वाली साइड पे वहाँ का आपको ये सारी वीडियोस की दिखा रहा हूँ। ये इसकी वीडियो ये कितना खूबसूरत काम किया हुआ, यहाँ पे वो हुजरा यहाँ पे बैठ के यहाँ पे अपना जो यहाँ पे वो साहबजादा हसन हफीज़ साहब हैं इन्हें यहाँ पे बैठ के ना ये डिज़ाइन वगैरह किया है, नक्शा वगैरह इसका डिज़ाइन वगैरह किया था। यहाँ पे वो चटाई वगैरह बिछा के दी, यहाँ पे वो डिज़ाइन वगैरह करते थे इसके सारा, इसको मुनफरद रूहानी और इस तारीखी मस्जिद के बानी साहबजादा डॉक्टर फ़र्रुख हफीज़ के जानशीन साहबजादा एहसन हफीज़ हैं। देखिए आपके साथ ये वीडियो शेयर कर दी है, ये सारे ये मेहराब सारा ये नाज़रीन ये देखिए ये गुंबद है, ये फ्रंट वाला मेहराब है और ऊपर ये मीनार टोटल खूबसूरत। नाज़रीन अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लें। इस साइड का व्यू इसका, ये देखो मस्जिद का साइड का व्यू टोटल वो उधर तक जा रहा है, उधर सारा टोटल मार्बल इधर वाइट कलर का मार्बल है। ये देखें ये चूने के साथ ये तैयार वगैरह करके तो ये लगाते हैं, ये सीमेंट और ये सरिया इसके अंदर इस्तेमाल नहीं हुआ। ये देखो खूबसूरत मस्जिद आप लोगों के साथ शेयर कर ली मैंने। ये देखें ये वो जो चीज़ है ये वो अपने ईंटों के जो बरादा होता है ना ये वो वाला है, चलो चलो ईंटों के बरादा के साथ जो है ना जो पाउडर है क्रंची इसको कहते हैं।
उसके साथ ये नहीं, ये पत्ते यहाँ पे तैयार वगैरह करके तो वो ऊपर वो काम कर रहे हैं। ये टोटल ये मार्बल वगैरह पड़ा हुआ है, जो एक्स्ट्रा जो पीसीस वगैरह ये बजाते हुए यहाँ पे ना प्रॉपर ये इसका सारा टोटल ये मस्जिद मस्जिद का वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर कर लीजिए। देखो ये सारे ये मार्बल वगैरह यहाँ पे ये इन्होंने लगा दिया। ये पन्नाड़ा ये पानी के लिए पन्नाड़ा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। ये देखो ये पन्नाड़ा ऊपर से पानी वगैरह आया तो ये यहाँ से निकलेगा पन्नाड़ा पानी जो है ना यहाँ से। तो ये सारे मिक्सर वगैरह इसको बना के रखा हो मशीन पड़ी है मिक्सर की। ये सारे और ये बाहर नाजरीन भी आपको दिखाता हूँ जहाँ पे ये है तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा लोगों का यहाँ पे ये शरीर आया मेरे साथ यहाँ पे इसके साथ आए मैं। और ये यहाँ पे ये मरीजों का मुफ्त इलाज वगैरह किया जाता है। अरे ये यहाँ पे ये मरीजों को आँखों का मुफ्त इलाज किया जाता है ऑपरेशन वगैरह किया जाता है। ये मंडे के मंडे ये देखना यहाँ पे तकरीबन 4 लाख से ज़्यादा जो है ना यहाँ पे ऑपरेशन कर चुके हैं। ये देखो आप लोगों के साथ ये वीडियो ये हर माह के पहले और तीसरे सोमवार को मरीजों को मुफ्त मायना और ऑपरेशन होंगे। ये देखो ये सारा बगैर चीज दिए हुए डाले जाने वाले हैं फोल्ड टेबल लेंसी को शौक के जरिए शिकायत मोती का इलाज की सहूलत मौजूद है लेंसी के बजमा मरीज होगा। ये देखो यहाँ पे इस साइड के लेडीज़ का तो ये दूसरी साइड पर वो जेंट्स का है इस साइड पर। तो नाजिर अभी तक आपने अगर मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ।